आइए देखते हैं बैठचन मजा आएगा। ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे पास कार्ड आया, उसमें लिखा है करोड़ की प्राइस के बारे में। हाँ, मुझे भी। अरे भाई साहब, आप ही है ना वो जिन्होंने हमारे पास कार्ड भिजवाया जिसमें 1 करोड़ का जिक्र है। यस, ये एक बहुत बड़ा गेम है, साल में एक बार खेला जाता है। जो इस गेम को जीत जाता है वो मालामाल हो जाता है, और इसमें 4 लोग सिलेक्ट होते हैं, और इस बार वो 4 लोग तुम हो। काफी तेज हो नसीब के। मैं तो बचपन से ही हूँ, मम्मी क्या कह रही, इनका मुझे पता नहीं। तो ये इनाम कैसे मिलेगा हमें 1 करोड़ रुपए का, ये तो बताओ। बहुत सिंपल है, हम लोग आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांधेंगे और एक घने जंगल में छोड़ देंगे। आप लोगों को सिर्फ पट्टी खोलनी है और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। जो नंबर 1 पे निकलेगा उसे मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, और जो नंबर 2 पे निकलेगा उसे मिलेंगे 50,000 रुपए, और जो नंबर 3 पे निकलेगा उसे मिलेंगे 20,000 रुपए, और जो नंबर 4 पे निकलेगा उसे मिलेंगे 5,000 रुपए। मेरी जान, 20,000 तो मेरे हो गए। यार तुम्हें देख के तो नहीं लग रही, तुम पे 10,000 भी होंगे, कुठरिया में बैठे हो और तुम कह रहे हो 1 करोड़ का इनाम देंगे। मेरी शक्ल देख के ऐसी लग रही होगा, बहुत जमीन है मेरे पास। बंगले में तो मैं इसलिए ना रहता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट मेरे ऊपर निगाह रखती है, और ये गवर्नमेंट इशू है पूरा गेम। ओके ठीक है, हम चलने के लिए तैयार है। 1 मिनट, इसमें 1 रिक्स है, अगर तुम्हें जंगल में कुछ हो गया या तुम जंगल से भाग ना पाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी ना होगी, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी होगी, अन्ना तुम्हारी फैमिली मेरे ऊपर कोई पुलिस केस करेगी। इसका मतलब जंगल के अंदर खतरा है, शेर वेर भी तो होंगे जंगल में। शेर की टेंशन तुम मत लो, एक दिन साला मेरे पीछे आ रहा, मैंने मारी को नहीं, मैंने बहन के भोसले ना चलेगा यहाँ से। कुत्ता पूछ लो, कुत्ता ना हो बस। रुक जा। अरे शेर वेर का कोई खतरा ना है, ये तो मैंने बस ऐसी बोल ही दिया। अगर शेर का खतरा होता तो देखिए 4-5 बार मैं जीत गया 1 करोड़ जाके, और मेरे छोटे वाले बहनोई का भी काम ना चल लिया, 1 करोड़ों ने जिताए, और मोहल्ले वालों को तो ये ना कितनी बार 5-5 हज़ार रुपए ना कितने जितवा दिए। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो शाम तक का वक्त है, सोच के बता दो आराम से। शाम तक का टाइम है, ठीक है सोचते हैं, अभी बहुत टाइम है। 1 मिनट, सोच लिया? डन है यार, डन बिल्कुल। तो ठीक है, पढ़ लो एक बार और साइन कर दो यहाँ पाके। अरे मेरा पड़ा हुआ है, लाओ यार। तो हमारी है, यहाँ पे कैसे आ गई? तेरा बाप छोड़ के गया, तेरी अम्मा छोड़ के गई है। मैं भूल गया, हमारे यहाँ छोटी सी हथौड़ी, मुझे लगा ये वाली हमारी दिखे। मैं कह रहा हूँ देखो, लालच बिल्कुल नहीं करना हमें, अलग अलग होके जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, और जैसे ही बाहर निकल जाएंगे जो भी इनाम मिलेगा सब जने मिलकर आपस में बांट लेंगे। सही कह रहा है। तो देखो, तुम जाओ इधर, और तुम जाओ उधर, और तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। जब तुझे उधर को भेजा तो तू मेरे पीछे क्या कर रहा? मैं सोच रहा तुम्हारे पीछे चलता रहूं, मेहनत ना करनी पड़ेगी, तुम्हें जैसी रास्ता मिलता जंगल के बाहर निकलने का तुरंत ईंट मारता, वहीं मर जाते तुम। जंगल से बाहर निकलता ही ना मिल जाता मुझे। अरे भैया,
वाली के हम यहाँ चूतियों की तरह मेहनत कर रहे हैं रास्ता ढूंढने में। ऐसे तो टोपा भी कुल्हाड़ी वाले के पीछे घूम रिया। ओए कुल्हाड़ी, अबे देख तेरे पीछे देख टोपा साला वो। देख रिया इसकी, साले को गर्दन की अब भी फिक्र ना। अबे थोर का हथौड़ा और मेरी कुल्हाड़ी कोई नहीं निकाल सकता, बच्चा है तू अभी। अरे टट्टू है ये, देखिए वो तो मजाक कर रही है ऐसी, और इससे कह दो इसकी कुल्हाड़ी भी अब मेरी हो गई। आप ही कह दो। भाई सबकी कुल्हाड़ी दे कर आओ। देखो भाई अब शाम होने वाली है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ यहीं रुक कर रात बिताते हैं और आराम से कल को एक साथ मिलकर ढूंढते हैं, कोई अब गद्दारी नहीं करेगा। ठीक है चलो। अबे यार सारी लकड़ियाँ जला दी तुमने, एक आधक तो रोक लेते। क्यों हट साले, ये काम ना होते हैं यहाँ। देखो यार एक काम करते हैं, सब मिलके बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। सही कह रही है यार, एक साथ मिलके ढूंढते हैं और जो भी पैसा मिलेगा बराबर बराबर बांट लेंगे। देखो 12 × 12 12 दुनिया 48, 12 × 5 = 64, 12 × 6 = 72 और 3 = 65 और 44 1400 रुपये आ जाएंगे सब पे बेटे। और टॉप भाई अब तो पैसा पैसा हो जाएगा। ठीक है अब करो आराम, सुबह ढूंढेंगे बाहर जाने का रास्ता, आराम करो। इधर जाओगे तो सापट मिलेगी और इधर जाओगे तो रास्ता मिलने की उम्मीद। यस हो गया काम, चलो आओ। अबे ओए इधर को कहाँ गुजारी आ तू? इधर कोई तो है रास्ता। अरे सुतरी वाली के, तुझे रास्ते में चिन्ह इधर को ना दिख रही है, इतना बड़ा बड़ा सापट की तरफ को भाग रही है। इधर को सर। बचाओ यार दोस्तों, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो यार। एक मिनट रुक, तेरे लिए कुछ ढूंढ के लाता हूँ। अबे ओए ज्यादा बड़ा हिमायती मत बन साले, सही है ये फंस गया। अब पैसा हम बराबर बराबर कर लेंगे, 3 जगह ही, ज्यादा ज्यादा भी आगा लगा ले हिसाब देख। 12 × 12 = 12, 12 × 12 = 24, 12 × 3 = 48, 12 × 5 = 76 और 2 = 78 साले, 2300 रुपये आ जाएंगे सब पे। अब फायदा होगी अपना। ढीले यार ये तो गद्दारी होगी। हाँ तो तू मत कर, हम दोनों कर लेंगे गद्दारी और क्या। ना ना मैं तो खानदानी बेईमान हूँ। तो चलो सही कर रहा हो, जाओ। इनाम के 1 करोड़ रुपए तो यहीं पड़े, मैं निकाल लूंगा, तुम जाओ। अरे तो हाथी के भोसड़े में जा थोड़ी रहे, रस्सी ढूंढने भाड़ू, रुक रहे रस्सी ढूंढ में जाएंगे। नहीं यार तू कैसे छोड़ जाएंगे ऐसे। बस बढ़िया मिल गया, ले पकड़। बहुत टॉप भाई, रास्ता भी ना ढूंढना पड़ा और पैसे भी हाथ लग गए। लो पैसे कहाँ हैं? ये हैंगी। मजाक मत कर, तू तो कह रही है 1 करोड़ हैंगे, कहाँ है वो? अच्छा 1 करोड़, वो तो तेरे अब्बा के पजामे में हैंगे, हाथ डाल के निकाल लिए जा। ये तो बेटा गद्दारी हुई तुम्हारी फिर। ओहो तुमने तो जैसे हम पे फूल बरसा दिए दिखे हैं। चल आओ। अब तो हंस जाओ, अब क्यों उदास हो? यार यूं उदास हूँ, आज मेरा जन्मदिन है। ओह हैप्पी बर्थडे ब्रो। यार मैं सोच रहा था मैं अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूं, पर अब जंगल में क्या करें। अरे तो क्यों टेंशन ले रही है, हम है तो सही। मैं तेरा चंदोसी वाला फूफा हो गया और ये तेरे ताऊ हो गए। लोंडा में क्यों गिनती कर रहे हो, चच्ची खिलवाओ। हाँ चल चच्ची, और ये तेरे खालू हो गए। पर यार केक की टेंशन है, केक कहाँ से लाएंगे इस जंगल में। केक की टेंशन मतलब, केक तो मैं बैग में रख के लाऊं। तो हो गया काम, काटो फिर। रुको केक काट। हैप्पी बर्थडे टोपे वाले, हैप्पी बर्थडे टोपे वाले, हैप्पी बर्थडे।
मादरचोद, तुमने हमारे बर्थडे की गांड मार दी गंडे, फिर बहन के लोड़े पे। टोपे तेरी सुन। इन्हें मैं भेजूंगा बाहर, नंबर वन का इनाम तो मैं ही लूंगा, बस मैं, 1 करोड़ रुपए मेरे हैं, बस मेरे। अब तक मैं सोच रहा था कि लास्ट में जाके गद्दारी करूंगा, पर ये मुझसे अभी गद्दारी करवाएंगे। केक मीठा लाया था साला। साला हमारे बर्थडे की ऐसी तैसी मार दी। अब तक तो मैं सोच रहा था सिर्फ 20,000 रुपए लूंगा, लेकिन अब 1 करोड़ के 1 करोड़ मैं हड़प लूंगा। देखो भाई मेरी बात मानो ना, हम सब साथ में ही रह के बाहर का रास्ता ढूंढते हैं। ना जी ना, अब पूरा 1 करोड़ का इनाम मैं ही लूंगा। हाँ तू इतना अच्छा आना, तुझे दे देंगे। अरे यार तुम किस साइड में रह करो, हर टाइम मुँह चढ़ाते रहो, कुल्हाड़ी रख दो, यहीं बता दूंगा तुम्हें अभी मैं। अच्छा अब बता। अरे यार तू क्या समझा है अपने आप को, पिछले हफ्ते 2 मर्डर कोल्हापुर रेलवे स्टेशन याद है कुछ, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन तुझे यहीं मार के यहीं गाड़ दूंगा साले। ए, मुझे पता है तुम सिर्फ मुँहचोदी की लड़ाई करोगे, छोड़ दे उसे। टोपा कह रही है इस वजह से छोड़ लिया हूँ तुझे। और सुन लो, कोई किसी का ना सब मतलब ही है, अपना अपना ढूंढो, जो पहले बाहर निकला इनाम उसका। चलो कोई किसी का नहीं है। ये कौन है, इससे एड्रेस पूछता हूँ, इसे पता होगी। अरे ताऊ, इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता किधर है, मुझे जरा कुछ इमरजेंसी काम है। ज़्यादा ही चलाको बेटा कुछ। मतलब? मतलब बेटे इस जंगल में सिर्फ आया जाता है, वापस नहीं जाया जाता। मैं कुछ समझा नहीं ताऊ। अब समझेगा, 1 करोड़ के लालच से आया ना यहाँ। ये बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी यहाँ 1 करोड़ के लालच में आया था, और जब मैं यहाँ फंसा तो मुझे पता चला यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। मुझे यहाँ पे 9 साल हो चुके हैं फंसे हुए, और जो हमें यहाँ पे भेजता है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। हैं? हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और हम जैसे लोगों को यहाँ भेज देता है मरने के लिए। जैसे कि मेरे 3 साथी मारे गए, 2 भूख और प्यास से, 1 कुछ जानवर खा गए, और उसके ऊपर कोई पुलिस केस भी नहीं हुआ। इसका मतलब हम फंस सकते हैं? अबे झाटू फंस गए। मुझे अपने दोस्तों को बताना होगा। भोसड़ी के देख के चल ले। तेरी साले टोपे, इतनी तेज की भाग रिया, मिल गया रास्ता बाहर जाने का। अबे हट, रास्ता देख रिया निकलने का, फंस गए हम। अब इस जंगल से कोई बाहर नहीं निकल सकता। क्या? हाँ, हम चारों को इस जंगल में जान पूछ कर भेजा गया है। अभी अभी मुझे इस जंगल में एक आदमी मिला था, उसने मुझे बताया कि जिसने हमें इस जंगल में भेजा है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। मारे जाएंगे हम इस जंगल में, कोई नाम विराम नहीं है इस जंगल में यार, फंस गए हम। बड़ी सुअर एक्टिंग कर रही है टोपा तो भाई, चलाकी दिखा रही है सुतरी के इनाम के चक्कर में। अब तो मेरी एक्टिंग देख। सही कह रहा है यार टोपे, तू यहाँ बहुत खतरा है। हाँ यार ढीले, जैसे ही मुझे पता चला ना तो मैं तेरे पास भाग गया एकदम। टोपे कोई मुझे खेस रहा है, आत्मा है भाग तू टोपे। आतिका भोसड़ा हमसे चला की, इनाम मेरा होगा बस। अबे कुलाड़ी, बाहर जाने का रास्ता मत ढूंढ, इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं है? हाँ, अभी अभी मुझे एक बुड्ढा मिला था यहाँ पर, उसने मुझे बताया। सच में? ईमानदारी से? अबे हाँ हाँ, बस तेरी माँ का भोसड़ा तेरी समझ में ही ना आ रही। अबे यार कसम से यार, झूठ कोई बोल लिया हूँ। चल तो फिर तू मेरे साथ आ जा रहा। यार टोपा सही कह रहा था, इसका मतलब इस जंगल में रास्ता ही नहीं है कहीं से भी। यार कितना घूम लिया मैं। ओए
अबे ढीली, तुझे तो हवा खींच के ले गई। अरे नहीं, लेके थोड़ी जा रही थी, वो तो वैसी आई थी मेरे पास हाल चाल पूछने। वो ताऊ की तबीयत खराब चल रही है ना, वो पूछ के हाथों हाथ चली गई। लेकिन बेटे टोपे, तू सही कह रिया दिखे था, बहन चो जंगल से जाने का तो रास्ता ही ना कहीं भी। कह रिया था मतलब तुझे अभी मेरी बात पे यकीन नहीं है? सालो, कुत्तों में जंगल में भागा फिर रहा हूँ ताकि हम लोगों की जान बच सके, और तुम बहन चो यकीन ही ना है हम पे, यकीन ही ना। मादर चौदो, अभी तो जिंदगी शुरू भी ना हुई थी सही से। लेकिन एक मिनट, इस जंगल में हमें फंसना कौन चाह रहा है? Thank you.